ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हुजूर, पूरे आगरा में उस तबलसी राशिद और उसकी बीवी बच्चे की थू थू हो रही है। सारे आवाम में उसके खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है, यहाँ तक कि बाजार में उसे धिक्कारा जा रहा है। अच्छा है, वैसे भी भले ही जलाल ने उसे माफ कर दिया हो, मगर हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। हुजूर, अगर आप चाहे तो इस खबर को अपने फायदे के लिए भुना सकती हैं। जो काम खुद ब खुद हो रहा हो उसमें हम अपने हाथ मैले क्यों करें रेशम? अब देखते हैं ये जिल्लत राशिद कितने दिन बर्दाश्त करता है। बेगम साहिबा, मैं कुछ समझी नहीं। देखते जाओ रेशम, सलीम की मुश्किलात के लिए जो भी जिम्मेदार है उसे अंजाम भुगतना होगा, और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। भाईजान, इसकी मरम्मत करवानी है। ये क्या कर रहे हो भाई? अरे तबला मैंने तुम्हें मरम्मत के लिए दिया है, ये मेरी रोजी रोटी है और तुम इसे इस तरह फेंक रहे हो, ये गुनाह है। ओ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमें गुनहगार कह रहे हो? गद्दार कहीं का, वली अहद के दुश्मन को अपने घर में पनाह देते हो और हमें गद्दार कहते हो? देखो, इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ हाँ भाई, हाथ कहाँ, ये तो पूरा का पूरा साजिश में शामिल था। ऐसे नीच इंसान की परछाई भी नहीं पड़ने देनी चाहिए हम पे। देखिए, इस गद्दार से हम लोग कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे, ना इसका कोई काम करेंगे, ना इसका कोई काम होने देंगे। देखिए देखिए, मैं आप लोगों के जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे गद्दार मत कहिए। अरे खुद शहनशाह ने मुझे मुआफ किया है। तेवर तो देखो इसके, जरा सी शर्म नहीं है इसे। शहनशाह दरिया दिल इंसान है, हम इसे माफ नहीं करेंगे। कहने से क्या होता है, इसे तो सजा मिलनी चाहिए। मैं कुछ नहीं किया, मुझे गद्दार मत कहो। अरे ये शोर कैसा हो रहा है? पालकी रोको, सुनो, देख कर आओ ये शोर क्यों हो रहा है। जी अभी देख कर आती हूँ। हुजूर, लोग राशिद खान को गद्दार कहकर पुकार रहे हैं, उनको पत्थरों से मार रहे हैं। जल्दी चलिए मरियम उज़्ज़मानी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। गद्दार नहीं हूँ, उठाइए इन्हें। मैंने कुछ नहीं किया, मैं गद्दार नहीं हूँ। माँ से यहाँ क्या कर रही है? लगता है हमसे मिलने आई है। मरियम उस जमानी, ये गद्दार है, हम इसे मार डालेंगे। आप होते कौन है दंड देने वाले? यदि शहनशाह अपना फैसला सुना चुके हैं कि निर्दोष है, तो आप इन्हें दंड कैसे दे सकते हैं? इन्होंने गलती की है, परंतु अनजाने में। माफ करना मरियम उस जमानी, हमारे शहनशाह तो जिल्ले इलाही है, दरिया दिल है। हमारे वली अहद पर हमला करने वाले की मदद करने वाले को हम कभी माफ नहीं करेंगे। कभी माफ नहीं करेंगे। इसका अर्थ है आप सब अपने आप को शहनशाह से ऊपर मानते हैं, क्योंकि शहनशाह के आदेश के विरोध जो जाता है वो गद्दार कहलाता है।
और इस मान से आप सब गद्दार हुए। और फिर भूल किससे नहीं होती? क्या आप सबने अपने जीवन में भूल नहीं किए? इन्होंने तो बस एक मेहमान को अपने घर में आश्रय दिया था, उनकी सहायता की थी, और ये मुगल संस्कृति है। अब यदि ऐसे में मेहमान गद्दार निकल जाता है तो इसमें इनका क्या दोष है? परंतु आप सब जानबूझकर शहंशाह के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और ये अपराध है। यदि आप शहंशाह का मान रखते हैं और उनके प्रति अपनी वफादारी दिखाना चाहते हैं तो ये सब बंद करें। हमें माफ कर दीजिए मरियम उस जमानी, हमसे गलती हो गई है। यदि क्षमा मांगनी है तो राशि से मांगिए, क्योंकि ना आपने इन पर हाथ उठाया है, अभी तो उनके मान सम्मान पर भी ठेस पहुंचाई है। बड़ी अम्मी जान सही कहती थी, मां से हमसे प्यार नहीं करती, वो हमारे दुश्मनों से प्यार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया मरे मुस्लमानी हुजूर। नहीं राशिद खान, मरियम उस जमानी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम निर्दोषों की रक्षा करें। उल्टा हमें खेद है हमारी प्रजा के व्यवहार के लिए। सैनिकों, इनकी मरहम पट्टी करके इन्हें घर तक छोड़ दो। या खुदा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कैसे हुआ ये? मैं अपने तबले की मरम्मत करवाने गया था बाजार में, और वहां शहंशाह और मरियम उस जमानी का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि हम महल में नहीं आवाम के साथ हैं। हर दिन उनके ताने कैसे सुनेंगे आप? मगर हमारा कसूर क्या है? कभी कभी इंसान के हालात उसे गलत साबित कर देते हैं, और यही हमारे साथ हुआ है। आपको बस अब ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना होगा। तुम ठीक कहती हो जिलबहार, आज तो ये वाकया मेरे साथ हुआ है, कल अगर यही तुम्हारे साथ या नादिरा के साथ हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगा। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। खैर, देर है दुरुस्त है, हम आज ही आगरा छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है हम कहीं और जाकर दुनिया बसाएं। मटकी लेकर उसको मारते चलो। ये क्या किया? हमारा मटका क्यों तोड़ा? गद्दार की बेटी की मटकी ना तोड़े तो और क्या करे? हाँ, क्या करोगी? शहंशाह से जाके शिकायत करोगी? गद्दार की बेटी, हमारे अब्बू गद्दार नहीं है। गद्दार की बेटी, गद्दार की बेटी, गद्दार की बेटी, सकीना, तो इसमें गलत ही क्या है? चाचा जान ने अच्छा नहीं किया उसे पनाह दे के, और मेरे अबू भी यही मानते हैं कि तुम्हारे अबू गद्दार हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हमारे अबू गद्दार हैं, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूं। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है गद्दार की बेटी के साथ खेलने का। खुश हो रहे होगे ना तुम? हाँ, हम बहुत खुश हैं तुम्हारे साथ
ऐसा ही होना चाहिए था। बहुत नक्चड़ी बनी घूमती हो ना, हमारे खिलाफ गवाही दी थी, हमें सजा दिलाई, अब तुम भुगतो। गद्दार की बेटी, हमारे अब्बू गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है वो, उन्होंने अनजाने में पनाह दी थी उस गद्दार को। हमने भी अनजाने में ही कादिर को तीर मारा था, हमारी भी गलती नहीं, लेकिन हमें भी सजा मिली ना, अब तुम भुगतो। गद्दार की बेटी, सलीम आए क्यों नहीं? असलीम बेगम साहिबा, सलीम नहीं आया आपके साथ? नहीं, वो जंगल में लकड़ी काटने गया है। महल में गई थी हुजूर कादिर को देखने। खुदा से दुआ करती हूँ कि वो जल्द ही ठीक हो जाए, ताकि आपकी भी औलाद से जुदाई खत्म हो सके। आप कादिर की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शाही हकीम उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही आपका पोता आपके समक्ष होगा। यकीन है मरियम उज़्ज़मानी, मगर तकलीफ हो रही है। जब तक कादिर ठीक नहीं होता, शहजादे को मुश्किल हालात में रहना पड़ रहा है। न जाने गरीब के झोपड़े में कैसा महसूस कर रहे होंगे वो। आप ऐसा मत कहिए, हमें पूरा विश्वास है आप हमारे बेटे सलीम का पूरा ध्यान रख रही होंगी। मैं कितनी भी कोशिश करूं मरियम उज़्ज़मानी, लेकिन महल के सारे आराम शहजादे को मयसर नहीं कर सकती। आप हमारे बेटे सलीम की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उनकी रगों में शहंशाह का लहू बह रहा है, हर दुख सह सकते हैं वो, और हमें पूरा विश्वास है वो अपने हर कर्तव्य को पूरी तरह से निभा रहे होंगे। वो तो है, कितना भी मुश्किल हो शहजादे कभी शिकायत नहीं करते, जितना हो सके उतनी मदद करते हैं वो। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपके बेटे में एक अजीमशान शहंशाह बनने के सारी निशानियां हैं मरियम उज़्ज़मानी। खुदा करे कादिर को जल्द शिफा मिले, इसलिए नहीं मुझे उसकी याद आ रही है, बल्कि इसलिए कि उसकी वजह से आपको अपने जिगर के टुकड़े से दूर रहना पड़ रहा है। ये लीजिए पवित्र रक्षा सूत्र, एक आपके पोते कादिर के लिए, एक हमारे बेटे सलीम के लिए। आपके पोते को तो हम बांध देंगे, पर सलीम को आपको बांधना होगा। आप ही आकर बांधेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। हमारा वहां पर आना कदाचित शहंशाह को अच्छा नहीं लगेगा, उनके आदेश का उल्लंघन होगा। ईश्वर दोनों बच्चों की रक्षा करे। प्रणाम बेगम साहिबा। आदाब बेगम साहिबा। जी प्रणाम। अब बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, पहले से कुछ सुधार हुआ? जी बेगम साहिबा, जैसा स्वास्थ्य पहले था बिल्कुल वैसा ही है, कोई खास सुधार नहीं है। शगुनी बाई, ये वही बच्चा है जिसके विषय में हमने आपसे बात की थी। आप अपनी विद्या से बताइए ना कि इस बच्चे का भविष्य क्या है, क्योंकि इसके साथ ही
हमारे सलीम का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। आप सब लोग तनिक बाहर जाइए। जी प्रणाम। आदाब बेगम साहिबा। तुम्हारा बेटा आप रुक क्यों गई? आगे बोलिए शगुनी भाई, हमारा सलीम क्या? शीघ्र बोलिए शगुनी भाई, हमारा हृदय बहुत घबरा रहा है। हमारा बच्चा भी हमसे दूर है, उसके प्राण तो संकट में नहीं है ना? वो सुरक्षित तो रहेगा ना? चिंतित मत हो जोदा, तुम्हारा बेटा एक दिन शहंशाह बनेगा, परंतु वो इन दिनों को कभी नहीं भूलेगा। आप हमें अधूरी बात क्यों बता रही हैं? पूरी बात बताइए कि आपने क्या देखा। शगुनी बाई, हमने कहा बात पूरी कीजिए। विचित्र आभास हुआ है हमें, जिनके बारे में हम तुम्हें बता नहीं सकते। ये कागज हमेशा संभाल के रखना, इसे कभी खोलना नहीं। जोदा बेगम, वचन दो हमें कि जब तक हम जीवित हैं, तुम इसे खोलोगी नहीं। बरसों बाद जब हम नहीं रहेंगे ना, तब इसे खोलना। समझ में आ जाएगा कि हमारे मौन का कारण क्या है। आप हमें बातों में क्यों उलझा रही हैं? जो बात हमें भविष्य में पता चलने वाली है, वो अभी पता चल जाएगी तो क्या होगा? भविष्य को समय से पहले जान लेना ठीक नहीं होता जोदा बेगम। हमें बस इतना बता दीजिए, हमारा बेटा सलीम सुरक्षित तो रहेगा ना? निसंदेह, परंतु याद रखना, उसके जीवन के दो भाग होंगे। हम समझे नहीं। मतलब उसके दो जन्म होंगे। सलीम को मरना होगा जोदा बेगम, तुम्हारी मृत्यु से पहले उसे मरना होगा। बस, क्या कहा आपने? हाँ, चली जाओ यहाँ से। एक शब्द और मत कहना हमारे बच्चे के लिए। हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारी विद्या पर विश्वास करते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम हमारे बच्चे के लिए कुछ भी अपशगुन कहोगी। एक माँ से उसके बच्चे के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? उन्हीं को कोई नहीं डाल सकता है जोदा बेगम, न शगुन की विद्या न माँ की ममता। निकल जाओ यहाँ से, चलो निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चली जाओ। आधा सच पूरे झूठ से भी अधिक विनाशक होता है जोदा बेगम, इसलिए पूरा सत्य सुन लो। जो मैंने देखा वो तुम्हें जानना था ना, तो सत्य सुनने का साहस भी रखो। सुनो जोधा, हर सिक्के के दो पहलू होते और एक कहानी के दो भाग। सलीम मरेगा, मरना ही होगा उसे, तो जन्म भी उसी का होगा वापस। क्या कहना चाहती हैं आप? जो तुम समझना नहीं चाहती जोधा बेगम, मौत दो तरीके से होती है। एक जब शरीर मरता है
दूसरा जब सोच मरती है। याद है ना, तुमने भी शहंशाह जलालुद्दीन को मारा था। उसकी सोच को मार कर उसमें नई सोच पैदा की थी तुमने। उसी तरह एक दिन सलीम का दिल टूटेगा। उस दिन उसका प्यार, उसकी सोच, सब कुछ उसके साथ मर जाएगा और सलीम का फिर पुनर्जन्म होगा जोधा बेगम एक शहंशाह के रूप में। दो प्रेम है उसके जीवन में जोधा बेगम, और दोनों एक साथ अलग अलग जन्म, अलग अलग व्यक्तित्व है। हमारा बेटा सलीम, हाँ, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं होगी उसकी जोधा बेगम। अरे जिस तरह जलाल मरा और अकबर का जन्म हुआ ना, उसी तरह सलीम की मृत्यु होगी और जन्म लेगा एक बादशाह, और उसे पैदा वो करेगी जो अब तक उसके जीवन में आई भी नहीं। यदि तुम प्रारंभ बदलना चाहो तो प्रयास कर सकती हो जोधा, परंतु नियति आने वाले इतिहास का पहला पन्ना लिख चुकी है और सलीम का पहला प्रेम उसके जीवन से जुड़ चुका है। जय मां काली। उस समय समझ नहीं आया था कि शगुनी बाई कह क्या रही है। बाद में समझ आया कि आने वाले दिनों में सलीम का जीवन अनारकली से जुड़ने वाला था। इतिहास करवट ले रहा था। वो जिसकी जगह सलीम की जिंदगी में तय थी, उसकी जिंदगी का सफर शुरू होने वाला था। रुको, शाम होने को है और आगे का सफर अंधेरे में करना महफूज नहीं। आज हम यही पड़ाव डालेंगे। चलो चलो चलो। आओ अजमत, आओ आराम से। आराम से बैठ जाओ, यहां पे बैठ जाओ आराम से। बच्चों तुम लोग खाने की तैयारियां करो, हम लकड़ियों का इंतजाम करके लाते हैं। जी। अजमत हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या? डाकुओं ने हमला कर दिया है। बच्चों जल्दी चलो, चलो बच्चों। लेकिन हमारा सामान। अरे सामान को छोड़ो, पहले अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। बच्चों जल्दी चलो यहाँ से। चलो 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 चलो। गियास बेग ने अपनी जान बचा तो ली, लेकिन सम्मान लुट गया। अब वो और उसका कुनबा उस बियाबान में अकेला था, और बीवी अस्मत किसी भी वक्त उसके चौथे बच्चे को जन्म देने वाली थी। आराम से अस्मत, आराम से। हौसला रखो अस्मत, हौसला रखो, हौसला रखो अस्मत। यहाँ बैठ जाओ अस्मत, यहाँ बैठ जाओ। हौसला रखो अस्मत, हौसला रखो। अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई मदद का इंतजाम जरूर होगा इंशाअल्लाह। हौसला रखो अस्मत। या अल्लाह। गियास बेग की दुआएं कबूल हुई। पास से ही मलिक मसूद का कारवां गुजर रहा था, वो उनकी मदद के लिए आगे आए। खुदा के लिए हमारी मदद करें, भाई बेगम को छुट्टी होने वाली है, खुदा के लिए हमारी मदद करें। आप चिंता मत कीजिए। मलिक मसूद फरिश्ता बनकर घियास और अस्मत बेग की मदद के लिए पहुंचे।
और उसके कारवां की दाई ने असमत बेग की जचगी कराई। मुबारक हो। मुबारक। उसे जिंदगी मिल चुकी थी जो आगे जाकर सलीम की जिंदगी में एक बड़ा किरदार निभाने वाली थी। मुबारक हो, बेटी हुई है मेरी बच्ची। इसका नाम हम रखेंगे मेहरुन्निसा। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हम इसकी परवरिश कैसे करेंगे? अल्लाह ने इसे हमें बख्शा है तो इसकी रिस्क का इंतजाम भी वही करेगा। और हमारी तीन औलादें, उनकी जिम्मेदारी भी हम ही पर है, उनकी परवरिश का इंतजाम कौन करेगा? कहना क्या चाहते हैं आप? अजमत बेगम, हम इन्हें नहीं रख सकते। ये हमारी औलाद है, ऐसा मत कहिए। वो तीन भी हमारी औलादे हैं, उनकी परवरिश का भी जिम्मेदारी हम पर है। अभी तो मकसूद भाई ने हमें पनाह दी है, लेकिन आप ही बताएं, हम उन पर कब तक बोझ बन सकते हैं? आप ही ने कहा था ना कि अल्लाह ने इन्हें हमें बख्शा है, अब अल्लाह ही इन्हें रास्ता दिखाएंगे। एक बार इसे हमारे गले तो लगा लेने दीजिए। अल्लाह मुझे ताकत दे, मैं जानता हूँ कि ये गुनाह है, पर मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। गरीबी और तंगहाली से परेशान ग्यास के पास दाई को देने के लिए भी एक सिक्का तक नहीं था। वो सोच में पड़ गया कि एक और बच्ची का पेट वो कैसे भर पाएगा। उसने दिल पर पत्थर रखकर तय किया कि वो अपनी बेटी को छोड़ देगा। नमाज का वक्त हो गया है, रुकिए। बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? ये तो गयास बेग की बेटी है। ये क्या गुनाह करने चले थे गयास बेग? अल्लाह ने तुम्हें इतने खूबसूरत तोहफे से नवाजा है और तुम उसे ऐसे ही छोड़ने चले थे? दोबारा ऐसी गलती ना करना। कौन बाप अपनी औलाद को अपने से दूर करना चाहता है हजूर? क्या करता मैं? रोटी रोजी तक का जुगाड़ नहीं है, इसे कैसे पालता मैं?
उसकी फिक्र मत करो, हम शहंशाह अकबर के दरबार में जा रहे हैं, वहीं कोई काम लगवा दे। आज से तुम और तुम्हारा कुंबा हमारी जिम्मेदारी। रात भर ठंड में रहने के बाद भी ये हमारे पास लौट आई। अल्लाह ने इसे हमें वापस लौटा दिया अजमत, अब इसे हमारे पास ही रहना है। अब चाहे जो हो जाए, मैं अपनी महरू को अपने से अलग नहीं होने दूंगा। खुलने से पहले हमें यहां से निकलना होगा। वजह से मुगल सल्तनत का इतिहास बदल जाएगा। वो औरत कोई और रही, तेरी ये संतान होगी, कुटिया से महल तक पहुंचाएगी। वक्त का खेल बदला, सलीम की जिंदगी में एक और लड़की मेरुनिसा आ रही थी। तो वहीं उसकी जिंदगी से निकलकर नादिरा बहुत दूर जा रही थी। हे मां, दोनों बालकों की रक्षा करना, कादिर को शीघ्र स्वस्थ कर दो, क्योंकि उसी के जीवन से हमारे सलीम का जीवन जुड़ा हुआ है। अब आप आहुति डालिए, साथ ही शुभ की कल्पना करते हुए माता रानी एवं ईश्वर से प्रार्थना भी कीजिए। जी हुजूर,
अल्लाह का शुक्र है। हे प्रभु, तेरी लीला परंपार है। ये तो अल्लाह का कर्म है, इसे काढ़ा पिलाओ जल्दी। लाओ काढ़ा दो जल्दी। लो बेटा। तुम लोग यही रुकना, मैं ये खुशखबरी शहंशाह को लेकर के आती हूँ। जी हुजूर। लो बेटा पियो। पहले मालवा, अब गुजरात। लगता है बागियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इससे पहले कि बगावत को हवा मिले, हमें फौरन उन सबको रोकना होगा। दुर्बल साहब, दुर्बल साहब, आप फौरन आलोतेदारों को और वजीरान को इकट्ठा करें। इस मामले पर हमें उनसे जरूरी मसलत करनी है। जी। एक बात और दुर्बल साहब, जोधा बेगम काली माँ के मंदिर गई हैं अफवान के लिए, क्या उनकी हिफाजत के इंतजाम पुख्ता तो है ना? जी शहंशाह, राजवंशी वीरों की एक टुकड़ी भेज दी गई है। शुक्रिया। शहंशाह का एक बार बुलंद हो, हकीमा साहिबा पेश होने की इजाजत चाहती है। फौरन उन्हें पेश किया जाए। जी शहंशाह। आदाब शहंशाह। नहीं हकीमा साहिबा, सब खैरियत तो है? वो लड़का कादिर, वो सही सलामत तो है ना? जी हुजूर, उस बच्चे को होश आ गया, उसने काढ़ा भी पी लिया है। शुक्रान अल्लाह, वाकई? जी हुजूर। बहुत बड़ी खुशखबरी है हकीमा साहिबा, मतलब अगर उस बच्चे को होश आ गया है तो शेखो बाबा आप घर वापस लौट सकते हैं। हकीमा साहिबा, हम उस बच्चे से मिलना चाहेंगे। तुलमा साहब, आप भी हमारे साथ आइए। आइए। प्रणाम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। हकीमा साहब, ये बच्चा कब तक दुरुस्त हो जाएगा? दुरुस्त हो चुके हैं हुजूर, नर्व्स ठीक चल रही है और खून का दौरा भी ठीक है। शुक्रिया हकीमा साहिबा। तुलमा साहब, हकीमा साहिबा के घर कुछ तो नहीं के अशरफे से भर दिया जाए। मुझे अपनी दादी जान के पास जाना है शहंशाह। जरूर बेटा जरूर। हकीमा साहिबा, ये बच्चा कब तक अपने घर वापस लौट सकेगा? जब आपका हुक्म हो। थोड़ी कमजोरी है, अपने कुनबे में रहकर हालत जल्दी सुधार पाएंगे। मैं तो दौड़ना साहब, जल्द से जल्द इस बच्चे को उसके घर वापस भेजने के इंतजाम किए जाए और हमारे शेखू बाबा को वापस घर लाया जाए। जितना इस बच्चे की दादी से गले लगाने को बेताब है, उतना ही बेसब्र हम हो रहे हैं हमारे शेखू बाबा को अपने बागों में भरने के लिए। शुक्रिया की मसाला। अरे दौड़ना साहब, बड़े दिन बाद शहजादे घर वापस लौट रहे हैं, उनके इस्तकबाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तमाम इंतजामात मुकम्मल। आदाब शहजादा। आदाब। रुके अभी। अगर इजाजत हो तो आपका कुछ वक्त लेना चाहते हैं हम। इजाजत चाहेंगे शहजादा। वक्त क्या रुके देगा, आज आप हमसे कुछ भी मांग ले हम आपको सब कुछ दे देंगे। क्या आपने सुना कि उस लड़के कादिर को होश आ गया, मतलब अब शेखू बाबा घर वापस लौट सकते हैं? हाँ शहजादा, हमने सुना, इसीलिए सीधे यहाँ आपके पास चले आए। दरअसल आपसे एक इजाजत चाहते हैं। कैसी इजाजत? शहंशाह, क्या हम शहजादे सलीम को लेने टोडरमल साहब के साथ वहाँ जा सकते हैं? इनकार मत कीजिएगा। देखिए ना, जोधा बेगम भी हवन के लिए बाहर गई हुई है, ऐसे में सलीम की कोई तो अम्मी जान उन्हें संभालने के लिए होनी चाहिए। इतने दिनों बाद हमारे शहजादे घर वापस लौट रहे हैं, अपनी बड़ी अम्मी जान को देखेंगे तो उन्हें सुकून मिलेगा। लेकिन अगर आप इनकार करेंगे तो हम वहां नहीं जाएंगे। हमारे कैसे इनकार नहीं करेंगे रुकैया बेगम? बड़ा ही नेक ख्याल है आपका। वैसे जाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन गुजरात की बगावत को लेकर एक जरूरी मसलत करनी है हमें। तब तो हमारा जाना बेहद जरूरी है। इजाजत है? बेशक है रुकैया बेगम, आप जाए और एक काशी की तरह हमारे बच्चे को वापस लेकर आए। शुक्रिया। आप नहीं जानते शहंशाह कि आपने हमें क्या काफिल इजाजत दे दी है। यही सही मौका है और इस मौके का इस्तेमाल करके हम सलीम के दिल में मरियम और जमानी के खिलाफ
नफरत भर देंगे। बूढ़ी दादी, क्या सभी गरीबों को ऐसे ही रहना पड़ता है? इतना सा खाना, खुद सब करना और जमीन पे सोना, इन सभी चीजों की जरूरत ही क्या है शहजादे? अल्लाह ने जीने लायक सभी चीजें सभी को बख्शी है, सोने को जमीन दी, उड़ने को आसमान का कंबल, गरीबों के पास भी वही है जो अमीरों के पास है, फर्क सिर्फ सोच का है। बेगम साहिबा, आप खबर ही कुछ ऐसी थी कि हमें खुद आना पड़ा। तुम्हारा पोता दुरुस्त होकर लौट आया है। हम शहजादे को लेने आए हैं। सलीम, हम आपको वापस लेने आए हैं। तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, अब आप हमारे साथ महल में रह सकते हैं। बड़ी अम्मी क्या मासा और अबूजान नहीं है आपके साथ? बेटा सलीम, हमारे साथ आओ। सलीम, शहंशाह सियासत मसलत में फंसे हुए हैं, इसीलिए नहीं आ सके। लेकिन आपकी मासा क्यों नहीं आई, ये तो हम नहीं जानते। हो सकता है कि आपको वापस ले आने से ज्यादा जरूरी काम कर रही हो। लेकिन आप फिक्र ना करें, आपकी बड़ी अम्मी जान आ गई है ना आपको वापस लेने। जाइए, जाकर तैयार हो जाइए। आप हमारे महल में हमसे मिलने आएंगी ना? जरूर शहजादे, खुदा आपको सलामत रखे। आपका नाम हर ओर फैले। आप दिल के बड़े नेक हैं, खुदा तमाम खुशियां आपके दामन में डाल दे। आपने हमें माफ कर दिया ना, और तुमने भी कहा दे। चलिए बड़ी अम्मी जान। ऐसे नहीं सलीम, अब आप शहजादे सलीम बनकर मुगल सल्तनत के वलीअहद बनकर वापस जा रहे हैं। लिबास तो बदलना पड़ेगा।